मैं हूँ आपका बायोलॉजी टीचर केदार सिंधी। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंट। इससे पहले इन द प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था हाइपोथेसिस क्या हो गए। सो जो भी हम पढ़े वो एक बायोलॉजिकल मेथड के ये स्टेप्स हैं, बायोलॉजिकल मेथड के हुए, ये बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रिकॉग्निशन क्या है। रिकॉग्निशन और उसके बाद हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है और उनके बाद हमने पढ़ा था कि हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है और आज जो हम पढ़ेंगे वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको हम बोलते हैं तजुर्बा। ओके सो जैसे हम समझ रहे हैं कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था रिकॉग्निशन, तशखीस करना, उनके बाद जो ऑब्जर्वेशन है, और इन द प्रीवियस टॉपिक हमने हाइपोथेसिस पढ़ी थी, और आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट। जैसे कि एक हमने मिसाल ली थी कि मलेरिया की जो डिजीज़ है अगर वो किसी भी शख्स में होती है, अगर उसको हम उसका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि उनकी जो वजह है वो प्लाज्मोडियम है। अच्छा, हमने एक उसके बाद हमें एक हाइपोथेसिस बनाएंगे कि भाई जो मलेरिया है उस वो जो डिजीज है वो किसकी वजह से होती है, प्लाज्मोडियम की वजह से। अच्छा, वो तो हमने एक जनरल बात कह दी कि द मलेरिया इज द कॉज ऑफ प्लाज्मोडियम, बट अब उसको हम प्रैक्टिकल चेक करने के लिए, रीचेक करने के लिए हम जो दूसरा जो अगला स्टेप बनाएंगे वो होगा हमारे पास एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, द प्रैक्टिकल वर्क है। ये क्या हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क, which perform to check the hypothesis. So experiment क्या है, ये practical work है, यानी कि एक अमली काम है। okay, काम है। अच्छा, experiment में क्या करते हैं, जो हमने previous topic में हमने जो भी hypothesis बनाई थी, जो भी हमने टेंटेटिव यानी कि एक ख्याली जो पूरा बनाया था, एक स्टेटमेंट बनाई थी, अब हम उसको चेक करेंगे कि भाई वाकई ही जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया का काज है कि नहीं। तो उसको हम प्रैक्टिकल चेक करने के लिए हम क्या बनाएंगे, एक एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। ओके अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी मलेरिया के जो पेशेंट है, ओके, और जो भी दूसरे पेशेंट है उनको हम चेक करेंगे, तो वाकई ही जो दूसरे पेशेंट है उसमें जो मलेरिया की काज है वाकई प्लाज्मोडियम है या कोई और ऑर्गेनिज्म है। ओके तो उसको हम अगर चेक करेंगे। अच्छा, अब हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट ट्रू होता है तो ठीक है, अगर वो हमारा एक्सपेरिमेंट फॉल्स होता है यानी कि झूठ होता है तो उसको हम क्या करेंगे, अब उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको हम फिर दोबारा ले जाएंगे हमारे ऑब्जर्वेशन पे, हमारे ऑब्जर्वेशन पे आएंगे, क्योंकि अब हम इसको दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि हमने जो भी स्टेटमेंट बनाई है। अच्छा, हमारा जो एक्सपेरिमेंट वो रॉन्ग कैसे हुआ, रॉन्ग इस वजह से हुआ क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट बनाई थी, जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थी, इसलिए जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो गलत हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा उस बायोलॉजिकल मेथड को पढ़ेंगे और दोबारा उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी कि उनके बारे में जो भी मालूमात है डेटा कलेक्ट करेंगे और उनको केयरफुली देखेंगे, और उनके बारे में जो मुतबादल जो भी पॉइंट्स हैं या हमने जो भी दूसरी जो भी हाइपोथेसिस बनाई है उनको हम लेंगे, और अब जो हम बनाएंगे जो भी हाइपोथेसिस वो उस बुनियाद पर बनाएंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो भी स्टेटमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो, क्योंकि अब जो भी हम स्टेटमेंट बनाएंगे वो हम दोबारा बनाएंगे। सो अगर हमारा कोई भी एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस एक्यूरेट होता है, राइट होता है, सो हम क्या करेंगे, उसको आगे ले जाएंगे। अच्छा, हम एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट क्योंकि एक्सपेरिमेंट क्या है, प्रैक्टिकल वर्क है, हम एक्सपेरिमेंट इसलिए करते हैं जो भी हमारी हाइपोथेसिस है उसको चेक करने के लिए, रीचेक करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट बनाते हैं। अब हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट के जो एग्जाम है वो दो है, एक होते हैं हमारे पास ग्रुप एक्सपेरिमेंट, दूसरे होते हैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। ओके, वो आगे हम पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक था वो था अबाउट द एक्सपेरिमेंट, कि हम एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं,
और एक्सपेरिमेंट की जो बुनियाद है वो क्या है। सो हम कहते हैं सबसे पहले कि ये जो हमारा अच्छा एक्सपेरिमेंट है वो बायोलॉजिकल मेथड का एक बेस यानी कि बुनियादी स्टेप है, जिसमें हम और सबसे आला और सबसे अहम जो इम्पोर्टेंट हमारे पास स्टेप है वो ये एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसमें हम चेक करते हैं कि हमारी जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है वो एक्यूरेट है या रॉन्ग है। सो आज हमारे टॉपिक सब एक्सपेरिमेंट के बारे में था।